हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे हो गए। सो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस पर हम जानेंगे हाउ टू राइट ए चेक। चेक हम कैसे लिखेंगे और चेक में जो जो इम्पोर्टेंस चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले चेक में इम्पोर्टेंस चीज़ होती है, वो होता है उसका IFSC कोड। जो IFSC कोड होता है, ये ब्रांच का, ये बैंक का कोड होता है कि कौन सी बैंक कहाँ पर है और किस बैंक से ये चेक जो है वो ऑथेंटिकेट करता है। ओके गाइस, सो आगे आता है अकाउंट नंबर। यहाँ पे इस जगह पे जो पर्सन है उसका अकाउंट नंबर लिखा होता है। ओके, जो कि अकाउंट नंबर, जो कि जब हम किसी को चेक करते हैं तो उसके जिसके अकाउंट में से पैसा जाना होता है उसका ये अकाउंट लिखा होता है यहाँ पे। ओके गाइस, सो आगे है, ये होता है चेक नंबर। ये जो सबसे फ्रंट वाला होता है वो चेक नंबर होता है, और सेकंड जो सेंटर में होता है वो MICR कोड होता है। ये जो होता है, ये चेक की ऑथेंटिकेट, ये चेक को ऑथेंटिकेट करने के लिए हेल्प करता है। ओके गाइस, सो यहाँ पे जिसका चेक होता है उसका नेम लिखा होता है यहाँ पे। ओके, और हमें यहाँ पे जो है सिग्नेचर करने होते हैं। ओके गाइस, सो ये थी जो इंफॉर्मेशन अबाउट द चेक। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, चेक नंबर, MICR कोड और अकाउंट होल्डर नेम। सो अब हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले चेक कैसे लिखना है। सबसे पहले जब भी हम चेक लेकर आएंगे, जब भी हमने किसी को चेक काटना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखनी है डेट कि कितनी तारीख को हमें उसको पैसे देने हैं। ओके गाइस, अगर हम आज की डेट डाल रहे हैं तो वो पर्सन जो है आज से लेकर विद इन द 3 मंथ्स कभी भी उसको जाकर इशू करवा सकता है, उसको जाके पैसे निकलवा सकता है। ओके गाइस, जो चेक की वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स तक होती है। मींस अगर हमने यहाँ पे कोई भी डेट डाली तो उसके 3 मंथ के अंदर अंदर अगर हमने पैसे जो हैं उसके निकलवा लिए तो ठीक है, अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो गए तो हम ये चेक बेकार हो जाएगा। ओके गाइस, सो सबसे पहले यहाँ पे हमने डेट डालनी है जब हमने उसको पैसे देने हैं। like, अगर हमने परसों की डेट डलवाई तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने उसे आज ही चेक दे दिया तो वो आज ही पैसे निकलवा लेगा, वो परसों को ही उसको पैसे मिलेंगे। अगर उसने आज जो चेक लगा दिया तो वो चेक क्या हो जाएगा, वो चेक फेल्ड हो जाएगा। ओके गाइस, सो आगे आता है यहाँ पे पे नेम, जिसको हमने पे करना है उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे। जैसे कि जिसको आपने पे करना है उसका यहाँ पे नाम लिख दो, चाहे यहाँ पे सेल्फ लिख दो। ओके गाइस, जो सेल्फ का चेक होता है वो मींस कि एक कैश होता है। अगर हमने किसी को सेल्फ का चेक काटा तो वो किसी भी टाइम कहीं पे भी जाकर बैंक से पैसे निकलवा सकता है, वो भी एक तरह, जो सेल्फ का चेक होता है वो एक तरह से कैश होता है। अगर हम यहाँ पे किसी पर्सन का नेम लिख दें तो वो जो पर्सन है वो उसी पर्सन को पैसे देंगे जिस पर्सन का वो नेम है। और कई बार क्या आता है, कई बार यहाँ पे साइड पे 2 लाइंस लगी होती हैं चेक के ऊपर। सो ये चेक को सिक्योर करने से होता है, ये चेक को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हम 2 लाइंस लगाते हैं। ये इसीलिए लगाते हैं कि जो पैसा है वो उसी पर्सन को मिले, अगर कोई और पर्सन जो है वो अगर उसको चेक मिल जाए तो वो पैसे ना निकलवा सके, इसीलिए हम 2 लाइंस लगाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम लिखेंगे उस पर्सन का नेम या सेल्फ का लिखेंगे जिसको हमने पैसे देने हैं, और आगे हम लिखेंगे रुपीज़। यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखेंगे लाइक जितने पैसे हमने उसको देने हैं, लाइक 500 देना है तो यहाँ पे लिखेंगे 500 इन वर्ड्स एंड 5, और आगे यहाँ पे जो अदा करें, आगे यहाँ पे साइन है, आगे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिखेंगे हम 500 इन न्यूमेरिकल फॉर्म में। ओके गाइस, जैसे 500 लिखते हैं हम 500 तो यहाँ पे लिखेंगे 500, और यहाँ पे लिखेंगे हम 500, यहाँ पे लिखेंगे 500। ओके गाइस, सो आगे हमने यहाँ पे बस साइन करने होते हैं। ओके, यहाँ पे हम साइन कर देंगे तो वो चेक निकलवा सकता है। अगर हमने यहाँ पे साइन नहीं किए तो ये चेक की वैलिडिटी नहीं होगी। ओके गाइस, वो पैसे नहीं निकलवा सकता जब तक आप जो है वहाँ पे साइन नहीं करते।
अगर आपने यहाँ पे साइन कर दिए तो वो चेक निकलवा सकता है। ओके गाइस, सो ये था चेक भरने का फॉर्मूला कि कैसे हम चेक जो है वो भर सकते हैं। लाइक सबसे पहले डेट, पेई का नेम जिसको हमने चेक काटना है उसका नेम या सेल्फ। ओके, आगे आ जाएंगे वर्ड्स, इन वर्ड्स में यहाँ पे अमाउंट लिखनी है हमने और यहाँ पे लिखेंगे हम 500। ओके गाइस, सो कई बार क्या होता है हम यहाँ पे वर्ड्स में लिख देते हैं तो आगे हमने जो लाइन लगाकर, आगे हमने क्रॉस लगा के लाइन लगा के ये सारी चीज़ जो है काटनी होती है ताकि कोई पर्सन जो है इस चेक में मॉडिफिकेशन ना कर सके। और जब हम यहाँ पे 500 लिखेंगे 500 और आगे हमने एक लाइन लगानी है ताकि कोई पर्सन आगे जो है 500 के आगे कोई वर्ड ना लगा सके, उससे ज़्यादा पैसे ना निकलवा सके। इसलिए हमने जब भी न्यूमेरिकल फॉर्म में इस यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखना है तो उसके आगे लाइन लगा देनी है, और यहाँ पे भी अगर हमने वर्ड्स में लिखा है तो उसके आगे भी हम लाइन लगा देंगे। ओके गाइस, सो ये था चेक फिल करने का फॉर्मूला। सो आई होप आपको समझ लग गया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो ऐसे ही मैंने इस चैनल पे जो है लीगल अवेयरनेस के लिए जो मैंने कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ, सो आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।